क्या आप बता सकते हैं कि सरकार अफीम की खेती क्यों करती है? अफीम, कुछ लोगों को तो इसका नाम सुनकर ही नशा आ जाता है, जबकि कुछ लोगों को इसका नाम सुनते ही नफरत होने लगती है। लेकिन इसके बावजूद अफीम की खेती होती है। ऐसी वैसी खेती नहीं, बल्कि खुद सरकार ही अफीम की खेती करवाती है। सरकारी जमीन पर प्राइवेट आदमी अफीम की खेती करता है, तो उसका एक बड़ा हिस्सा सरकार अपने पास रखती है। आपको जानकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन आखिर सरकार को अफीम की खेती करने की जरूरत क्यों पड़ती है? जो लोग अफीम की खेती करते हैं, क्या उन पर कानून का डंडा भी चलता है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, जिनके जवाब हम आज के वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में बिल्कुल आखिर तक। अंग्रेजी में ओपियम के नाम से जानी जाने वाली अफीम लोगों में भले ही बदनाम हो, लेकिन ये हम इंसानों के बड़े काम आती है। जिस अफीम को आप और हम एक नशीली चीज के तौर पर जानते हैं, आपको बता दें कि वही अफीम ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी अफीम से बहुत सी दवाइयाँ भी बनती है। ये और बात है कि जिस चीज को हमें दवा के तौर पर डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग जरूरत पड़ने पर थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करना चाहिए, हम उसे मन भर के खाना शुरू कर देते हैं, तो डेफिनेटली उसका तो नुकसान होना ही है, क्योंकि हर चीज की बुरी होती है। अब चलिए जानते हैं अफीम की खेती का कानूनी पहलू। अफीम एक नशीला पदार्थ है, जिसे बिना डॉक्टर की एडवाइस के इस्तेमाल करना कानूनन जुर्म है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस तरह के अपराध पर सख्त नजर रखता है। अगर कोई व्यक्ति अफीम, ये इस तरह के नशीले पदार्थों की तस्करी खरीदने बेचने में लिप्त पाया जाता है, तो इस व्यक्ति के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जाती है। उसे 10 साल से लेकर 20 साल तक की सजा हो सकती है, और ₹1 से 2 लाख तक का जुर्माना भी। अफीम की खेती करने वाले किसानों से अगर तय मात्रा में कम अफीम मिलती है, तब भी उन पर कार्यवाही हो जाती है। इस सिचुएशन में भी उन किसानों पर 10 साल तक की सजा या 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है, या फिर सजा और जुर्माना दोनों भी। हमारे देश में भी अफीम की खेती होती है, लेकिन ये खेती सरकार की देखरेख में होती है। जी हाँ, जिस तरह से आपने देखा होगा कि बड़े बड़े किसान अपनी जमीन पर खेती करने के लिए कुछ लोगों को परमिशन दे देते हैं, उसके बाद फसल का एक हिस्सा खुद कर किसान को फसल का कुछ हिस्सा दे देते हैं। लेकिन यहाँ सरकार जिन लोगों से अफीम की खेती करवाती है, उन किसानों को उनके हिस्से में अफीम नहीं देती, बल्कि उस अफीम की पूरी कीमत देती है। लेकिन सरकार की तरफ से भी अफीम की खेती करने के लिए बाकायदा लाइसेंस जारी होता है, और लाइसेंस मिलने के बाद ही कोई किसान सरकार की बताई हुई जगह पर अफीम की खेती कर सकते हैं। अगर बिना लाइसेंस के कोई अफीम की खेती करता है, तो उसके ऊपर सख्त कानूनी कार्यवाही हो सकती है, उसे जेल भी जाना पड़ सकता है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। अफीम की खेती के लिए लाइसेंस वित्त मंत्रालय जारी करता है, वित्त मंत्रालय उसकी निगरानी भी करता है, लेकिन नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की अफीम की इस खेती पर पूरी नजर होती है। यहाँ तक कि जिन किसानों को अफीम की खेती करने का लाइसेंस मिलता है, उन्हें बीज भी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से मिलता है। 1 एकड़ में अफीम की खेती करने के लिए कम से कम 7 से 8 किलो बीज किसान को दिए जाते हैं। 1 एकड़ के एरिया में इतने बीजों को बोने के बाद प्रति एकड़ 50 से 60 किलो अफीम निकलती है। अब बात करते हैं अफीम की खेती की। लाइसेंस मिलने के बाद किसान लीगल तौर पर सरकार के लिए अफीम उगा सकते हैं। जिस जगह पर अफीम की खेती होनी होती है, वो पहले से डिसाइडेड होती है। कितनी जमीन पर अफीम की खेती करनी है, कि ये भी तय होता है, और अफीम की खेती में 1 एकड़ मिनिमम पैदावार मिल सके, इसके लिए मिट्टी की पहले जांच होती है। ये पता लगाया जाता है कि उसमें कोई कमी तो नहीं, और अगर कोई कमी होती है तो उसे दूर किया जाता है। इस प्रकार सॉइल टेस्ट कम्प्लीट होने के बाद मिट्टी की जुताई का काम होता है, जो कि 3 से 4 बार किया जाता है। इसके बाद इसमें गोबर की खाद या वर्मी कम्पोस्ट मिलाया जाता है। अक्टूबर से नवम्बर के महीने के बीच अफीम की बुवाई का काम शुरू होता है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की लैब में अफीम पर रिसर्च चलती रहती है, और इसी रिसर्च के आधार पर जो बीज तैयार होते हैं, वो बीज किसानों को उपलब्ध कराए जाते हैं। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के इंस्टीट्यूट में अफीमों के बीजों की कई किस्में तैयार की जाती है, और यही किस्में किसानों को भी दी जाती है। जवाहर अफीम 540, जवाहर अफीम 16 जैसी किस्में प्रमुख है। अफीम की बुवाई के बाद लगभग 3 महीने से ज्यादा का समय लगता है। इसमें फूल आने में 95 से 115 दिन के बीच अफीम के पौधे में फूल आने लगते हैं। इसके बाद धीरे धीरे ये फूल सूख कर नीचे गिर जाते हैं, और 15 से 20 दिनों के भीतर इसमें डोडे नजर आने लगते हैं। यही अफीम का फल है। इसके बाद इन फलों में सिंचाई की जाती है। सिंचाई करने के लगभग 1 हफ्ते के बाद अफीम के कलेक्शन का काम शुरू हो जाता है। अफीम की हार्वेस्टिंग का काम एक बार में नहीं होता, बल्कि कई बार इसे करना होता है। इन डोडों से अफीम को निकालने के लिए इनके फलों में कट लगाए जाते हैं। कट लगाते ही इनके भीतर मौजूद लिक्विड बाहर आ जाता है, और वो बाहर आकर
जम जाता है। इसे रात भर के लिए ऐसा ही छोड़ देते हैं और सुबह सूरज निकलने के पहले ही इस लिक्विड को कलेक्ट कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया को तब तक दोहराया जाता है जब तक कि इन फलों से लिक्विड निकलना बंद नहीं हो जाता। इसके बाद अफीम के पौधे से डोडे तोड़ लिए जाते हैं और उसके बीजों को निकाल दिया जाता है। अफीम को हर साल नारकोटिक्स डिपार्टमेंट अप्रैल के महीने में खरीदता है। एक हेक्टर में जब किसान अफीम होता है तो उसे 7 से 8 किलो बीज की जरूरत पड़ती है, जिसकी कीमत किसान को 150 से 200 रुपए प्रति किलो होती है। अफीम के फलों से जो गिल टैक्स निकाला जाता है दर्शन, वही अफीम होता है और उसे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट 1800 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीद लेता है। हालांकि काले बाजार में इसकी कीमत 60,000 से 1,20,000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से होती है। यही वजह है कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट इस बात का विशेष ध्यान रखता है कि इस तरह की अफीम की जो कम से कम मात्रा निर्धारित है उससे कम अफीम ना मिले। उससे कम अफीम मिलने पर उस किसान का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। उसी तरह इनको कहीं और बेचने पर सीधे NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही होती है। एक किसान जब सरकार को प्रति हेक्टेयर अफीम का गिल टेस्ट बेचकर लगभग 1 लाख रुपए मिलते हैं, इसी रुपए 1 लाख के भीतर ही उसे बीज से लेकर अफीम को उगाने तक के सारे खर्चे पूरे करने होते हैं। काली बाजार में अफीम की इतनी ज्यादा कीमत इसकी काला बाजारी की एक बड़ी वजह है। गल टैक्स के अलावा किसान अफीम के फल के दाने निकाल कर उसे बाजार में बेच देता है और इस तरह से भी पैसा कमा लेता है। ये दाने बाजार में अच्छी कीमत पर बिकते हैं। इन्हें हम खसखस कहते हैं, जो कि हमारे घर की रसोई में एक मसाले के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारे देश में अफीम की खेती उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में होती है। इसके अलावा देश के किसी और राज्य में अफीम की खेती की परमिशन नहीं है। मध्य प्रदेश में रतलाम, मंदसौर और नीमच जिले में ही अफीम की खेती होती है। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अफीम की खेती भारत के मध्य प्रदेश में होती है। दोस्तों, प्राइवेटाइजेशन के दौर में अफीम की खेती को भी प्राइवेट करने की मांग उठ रही है। इतना ही नहीं, चुनाव के दौरान कुछ नेता लोग तो पब्लिक से इस बात का भी वादा करते हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो अफीम की खेती की परमिशन देंगे। अब नेताओं के वादे कितने सच्चे होते हैं कितने झूठे, उसे आपसे और हमसे बेहतर जनता जानती है। दोस्तों, नशा चाहे किसी भी चीज का हो, हमारे स्वास्थ्य को तो नुकसान पहुंचाता ही है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे इकोनॉमिकल कंडीशन, सोशल स्टेटस और फैमिली की रेपुटेशन को भी नुकसान पहुंचाता है। साथ ही जो लोग इस तरह की चीजों का नशा करते हैं वो अपने आप में इतना खोए रहते हैं कि उन्हें अपने घर परिवार और दिन दुनिया की कोई फिक्र ही नहीं होती। यही वजह है कि इस तरह के नशे को हर तरह से खराब बताया गया है। वैसे आप अफीम के नशे के बारे में क्या सोचते हैं? इसकी खेती के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।